जब भगवान शिव ने बाल गणेश को प्राण मंत्र से पुनर्जीवन दिया था, तब उन्होंने ये घोषित किया कि कोई भी काम करने से पहले बाल गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होगी, तब तक कोई भी काम सफल नहीं होगा, फिर वो किसी भी भगवान की क्यों ना हो। फिर एक दिन क्या प्रभु, आप भी मुझे सता रहे हो इन लोगों की तरह? अच्छा, तो अगम बगम और ब्रिंगी तुम्हें सताते हैं, वो कैसे? हर रोज ये बड़े बड़े ग्रंथ लेके आते हैं और मुझे कहते हैं पढ़ के सुनाओ। आपको तो पता ही है, मैं तो अभी पढ़ना सीख रहा हूँ, और जब मैं ठीक से नहीं पढ़ पाता तो ये सब मुझ पे हंसते हैं। पढ़ेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? इसीलिए तो मूषक महाराज के लिए हम ग्रंथ लेके आते हैं। हाँ, और मूषक महाराज ग्रंथ के अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ये नंदी क्यों भागा चला आ रहा है? प्रभु, प्रभु, प्रणाम प्रभु। क्या त्रिपुरा नगरी पर आक्रमण? इतनी पवित्र धरती पर राक्षसों का आक्रमण? नंदी, सभी गणों को युद्ध के लिए इकट्ठा करो, हम स्वयं त्रिपुरा नगरी को बचाने जाएंगे। क्या हुआ भगवान? भगवान? नंदी, मैंने एक भूल की है। भूल? आपसे? हाँ नंदी, मैं गणेश का नाम स्मरण करना भूल गया। मैंने ही कहा था कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले गणेश की पूजा करना आवश्यक है, और मैं स्वयं ही भूल गया। तो हमें अपनी भूल सुधारनी होगी प्रभु। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। Ha ha ha!
प्रभु चलिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। माता के हाथों के मोदक खाते हैं, चलिए ना। अरे हाँ हाँ मूषक, हम सब आ रहे हैं। प्रभु से जाने को नहीं, परंतु कैलाश पे राज करने आया हूँ। अगर तुम इस नदी में नहीं आते तो मैं अब तक शिव जी और सभी को बंदी बना के कैलाश पे राज कर रहा हूँ। बालक तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ पाल गणेश। नहीं देखा, वो राक्षस बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। अच्छा तो क्या हमारा गणेश कम है? वो भी तो शक्तिशाली है।
नहीं हुआ है माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह, तो इतने समय तक पानी में क्या कर रहे थे? मैं तो ठंडे पानी का मजा ले रहा था।